हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम की ताज़ा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो है भोपाल सहित दोस्तों कई इलाकों पर भारी ठंड का प्रकोप है। कई जगहों पर बताया जा रहा है कि पूरे एक सप्ताह के दौरान भारी ठंड और शीतलहर का असर, तो कई जगहों पर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो कहाँ पर कैसा रहेगा मौसम, आपके यहाँ पर बारिश होगी या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चाहे आप रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, चंबल या फिर अन्य कौन से भी संभाग में रहते हैं, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपको जो है आपके यहां की मौसम की जानकारी कमेंट में बता सके। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर भारी ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश और कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आज जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे मध्य प्रदेश में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो है आज कड़ाके की ठंड पड़ने की बात कही और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित इंदौर, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, निवाड़ी, छतरपुर और सागर जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में आज कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बारिश की संभावना, वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। शहडोल, भोपाल संभाग और बैतूल जिले में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है और इससे ठंडक में भी काफ़ी असर बढ़ता जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगले दो दिनों के दौरान दो और सिस्टम एक्टिव होंगे, जिससे दोस्तों उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और चंबल में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा और उज्जैन में अगले दो दिनों तक कड़ाके की ठंड की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग का कहना है कि वातावरण में भी नमी आ जाएगी तीन दिन के बाद और साथ ही बादल छाए रहने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, फिर से रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वही दोस्तों, कड़ाके की ठंड से काफ़ी ज़्यादा मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और बताया जा रहा है कि दोस्तों जो है भारी ठंड में घरों से बाहर जो है बिना काम के लिए ना निकले। वहीं मध्य प्रदेश में लोगों को जो है अभी भी कुछ दिन और जो है ठंड का सितम झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, कौन से जिले में कितनी ठंड पड़ेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बात करें आज के घर बैठो जीतो इनाम में, तो आज का सवाल है दोस्तों, आपकी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी कौन सी है, यानी कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी या कांग्रेस, में से जो है पसंदीदा राजनीतिक पार्टी का नाम कमेंट करके जरूर बताएगा और कमेंट करने वाले लकी विनर को मिल सकता है 3 महीने के लिए जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी का नाम। वहीं दोस्तों, अगले 36 घंटों तक प्रदेश में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर दो सिस्टम एक्टिव होने से पूरे मध्य प्रदेश में जो है फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि शीतलहर से लोगों का बेहाल होने वाला है और आने वाले 24 घंटों में ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो है मौसम विभाग ने भोपाल के मुताबिक IMD भोपाल ने जो अनुमान जताया गया है कि 48 घंटों के अंदर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। तो दरअसल जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर दो सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गए हैं। वहीं हरियाणा की तरफ भी एक चक्रवात बनने के बाद पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में जो है पूर्वोत्तर जिलों में बूंदाबूंदी की संभावना जताई गई है। वहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिकों ने जो है अगले 24 घंटों के दौरान एक के बाद एक दो सिस्टम एक्टिव होने से उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, चंबल में मौसम में बदलाव देखने को मिलने की संभावना जताई है। और मौसम विभाग भोपाल के अनुसार इंदौर संभाग के जिलों के साथ ही रतलाम, उज्जैन, सिवनी, नरसिंहपुर, आगर, शाजापुर, दतिया और गुना में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से वातावरण में नमी आने से बादल छाया शुरू हो जाएगा और जिससे ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। और मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश का तापमान शुष्क रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में हमें भारी से भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों, बात करें एक एक जिले की, तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इंदौर में काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे, तो कई जगहों पर भारी से भारी ठंड का प्रकोप हमें देखने को मिलेगा। और खंडवा की बात की जाए तो खंडवा में पूरे एक सप्ताह के दौरान 26, 27, 28 के करीब तापमान रहने की संभावना और कई जगहों पर भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। और बताया जा रहा है कि रात के समय 12 डिग्री के करीब तापमान जाने की संभावना जताई गई है। देवास की बात की जाए तो 23, 24, 25 के करीब तापमान रहेगा पूरे एक सप्ताह के दौरान। दोपहर के समय की बात कर रहा हूँ, लगभग दोपहर के 2-3 बजे की, और रात के समय बात की जाए तो लगभग कम से कम 8, 9 और 10 के करीब तापमान रहेगा देवास में और काफ़ी ठंडा सुहावना मौसम रिकॉर्ड किया जाने वाला है देवास मध्य प्रदेश का। वहीं दोस्तों, बात करें राजगढ़ की, तो राजगढ़ में पूरे एक सप्ताह के दौरान 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक तापमान जा सकता है। आने वाले शुक्रवार तक जो है 27 तक तापमान जाने की संभावना है। बाकी जगह मौसम काफ़ी ठंडा सुहावना है और राजगढ़ में रात के समय 7 डिग्री तक जो है
मिनिमम यानी कम से कम तापमान जो है 7 डिग्री तक जाने की संभावना और भारी से भारी ठंड का प्रकोप हमें राजगढ़ में देखने को मिलेगा। वही दोस्तों शाजापुर की बात की जाए तो पूरे एक सप्ताह के दौरान यहाँ पर भी काफी ठंडा सुहाना मौसम है, भारी बादलों की वजह तो नहीं है लेकिन मौसम साफ और सुहाना है और अगले एक सप्ताह के दौरान 23-24 के करीब तापमान जा सकता है और रात के समय यहाँ पर 8 डिग्री के करीब तापमान जाने की संभावना और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। सीहोर की बात की जाए तो तेज हवाएं चलेगी और पूरे एक सप्ताह के दौरान 23-24 के करीब तापमान जा सकता है और भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा, 8-9 डिग्री के करीब तापमान जा सकता है और काफी ठंडा मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। रायसेन की बात की जाए तो रायसेन में भी पूरे एक सप्ताह के दौरान मौसम साफ सुहावना है और बताया जा रही है कई जगहों पर सोमवार मंगलवार बुधवार को 23-24-25 के करीब तापमान जाएगा। वही रात के समय यहाँ पर 8 डिग्री के करीब तापमान जा सकता है और भारी से भारी ठंड का प्रकोप हमें देखने को मिलेगा रायसेन में। वहीं दोस्तों बात करें छिंदवाड़ा की तो छिंदवाड़ा में भी अगले 24-48 घंटों के दौरान भारी ठंड का प्रकोप है, यहाँ पर भी 23-24-25-26 तक तापमान जाने की संभावना है। कई इलाकों पर बताया जा रहा है कि भारी से भारी ठंड पड़ रही है और अगले 24-48 घंटों के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ठंडा मौसम देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की माने तो इंदौर में भी जो है पूरे एक सप्ताह के दौरान 25-26 के करीब तापमान जाएगा, कई इलाकों पर ठंड पड़ेगी तो कई इलाकों पर मौसम में उतार चढ़ाव काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं है लेकिन रात के समय यहाँ पर जो है तापमान 8 और 9 डिग्री के करीब तापमान जा सकता है और भारी ठंड का प्रकोप भी हमें काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इंदौर में देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों इंदौर के साथ साथ बात करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर 23 और 24 और यहाँ पर जो है इंदौर के मुकाबले भोपाल में जो है तापमान में काफ़ी कमी रहेगी और बताया जा रहा है कि भारी ठंड का प्रकोप भी काफ़ी अधिक रहेगा और 22-23-24 के करीब तापमान जाएगा और पूरे एक सप्ताह के दौरान काफ़ी ठंडा सुहाना मौसम रहेगा और रात के समय यहाँ पर 8 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना यानी कि काफ़ी ठंडा मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें कटनी की तो कटनी में भी पूरे एक सप्ताह के दौरान 19-20-21-22-23 के करीब तापमान रहेगा और भारी ठंड का प्रकोप रहेगा और यहाँ पर जो है 1-2 दिन बादल भी बीच में देखने को मिल सकता है लेकिन बाकी इलाकों पर काफ़ी ठंडा सुहाना मौसम रहेगा पूरे एक सप्ताह के दौरान और रात के समय बताया जा रहा है कि 8 और 9 डिग्री के करीब तापमान जा सकता है जो कि काफ़ी ठंडा और सुहाना मौसम बताया जाता है। यानी कि दोस्तों भारी से भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा हमें कटनी में भी। मंदसौर की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे एक सप्ताह के दौरान 23-24-25 के करीब तापमान जा सकता है, बादलों की वजह तो नहीं है लेकिन दोस्तों ठंडा मौसम काफ़ी अधिक रहेगा पूरे एक सप्ताह के दौरान और रात के समय यहाँ पर भी 6-7 के करीब जो है तापमान जा सकता है और ऑन दी ग्राउंड बताया जा रहा है कि सड़कों पर काफ़ी कोहरा देखने को मिलेगा और भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो है हमें मंदसौर में देखने को मिलेगा पूरे एक सप्ताह के दौरान। वहीं दोस्तों दतिया की बात की जाए तो 21-22 और जो है बाकी जिलों के मुकाबले काफ़ी ठंड पड़ रही है दतिया में और 20 के करीब जो है तापमान है और काफ़ी बादलों की वजह जो है सोमवार और मंगलवार को देखने को मिलने वाले और भारी ठंड का प्रकोप भी हमें काफ़ी अधिक रहेगा और आने वाले शुक्रवार शनिवार को बादलों की वजह के साथ काफ़ी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और यहाँ पर रात के समय दतिया में 6 डिग्री के करीब तापमान जाने की संभावना यानी कि सुबह के समय भारी से भारी कोहरा भी देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में भी पूरे एक सप्ताह के दौरान काफ़ी ठंडा सुहाना मौसम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे एक सप्ताह के दौरान 21-22-23 के करीब तापमान जा सकता है और रात के समय यहाँ पर 5 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है यानी कि दोस्तों कम से कम तापमान जो है ना 5 डिग्री तक आ सकता है और भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा पूरे एक सप्ताह के दौरान जिसमें दोस्तों ग्वालियर में बताया जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार और शनिवार को भारी बादलों की वजह भी हमें काफ़ी अधिक देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों भिंड की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे एक सप्ताह तक बादलों की वजह काफ़ी अधिक है और यहाँ पर 4 डिग्री के करीब न्यूनतम तापमान जाने की संभावना जताई जा रही है यानी कि कम से कम तापमान रात के समय भिंड में जो है 4 डिग्री तक जा सकता है और पूरे एक सप्ताह तक बाकी जिलों के मुकाबले भारी ठंड का प्रकोप भिंड मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों बात करें छतरपुर की तो यहां पर न्यूनतम तापमान रात के समय 7 डिग्री तक जा सकता है और पूरे एक सप्ताह के दौरान काफी साफ सुहाना मौसम है और 21-22 के करीब तापमान जा सकता है और भारी से भारी ठंड का प्रकोप हमें देखने को मिलेगा। तो यह था मध्य प्रदेश का मौसम सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।